हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये रहे अंगद जी और आज हम लोग थोड़ी अलग लोकेशन से वीडियो शुरू कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं क्योंकि कहीं जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, सोचा आपको अपने साथ ले जाए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी इंटीरियर चल रहा है, मुझे बहुत सारे आप लोगों के डीएम्स आते हैं कि शोना कहीं से फर्नीचर लिया जाए बैंगलोर में, उसकी जगह बताइए या फिर हम कस्टमाइज करा सके, ऐसी कोई चीज बताइए आप हमें। तो मैं जा रही हूँ एक शोरूम जिसका नाम है वुडन स्ट्रीट। वुडन स्ट्रीट में आपको मिल जाते हैं रियल वुड के फर्नीचर्स और इसको आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में आप कहीं भी रहते हो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वुडन स्ट्रीट के वेबसाइट से। तो मैंने इनसे अपने घर का डाइनिंग टेबल लिया था तो वो शीशम वुड का है, मैंने इनसे कस्टमाइज कराया था, साइज छोटा करवाया था ताकि मेरे घर के हिसाब से फिट आ जाए। तो आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो और एकदम रियल वुड के अच्छे वाले फर्नीचर आपको बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आ गई वुडन स्ट्रीट के शोरूम में और यहाँ पे अमेजिंग कलेक्शन से मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। वैसे भी जो प्योर वुड होता है, जो रियल वुड होता है, वो मेरी वीकनेस है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पसंद है घर में वो है वुडन एलिमेंट। और यहाँ पे इतने सारे कलेक्शन है तो मैं आपको एक एक करके जितना हो सके उतना टूर भी कराऊंगी और अगर पॉसिबल हो सका तो कोई स्टोर मैनेजर वगैरह है तो उनसे पूछ भी लेती हूँ कि कैसे आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो एक्सपर्ट से मैं पूछ भी लूंगी। फिलहाल चलिए मैं फटाफट आपको यहाँ का एक टूर देती हूँ। तो चलिए वुडन स्ट्रीट का स्टोर टूर स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा डाइनिंग टेबल है जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, देखिए एग्जैक्ट उसी फिनिश का यहाँ पे ये वाला टेबल है, शीशम वुड का बना हुआ, कितनी अच्छी सी ग्लेज आ रही है इसमें। तो आपको वुडन स्ट्रीट में सोफाज मिल जाते हैं, एक्सन चेयर्स मिल जाते हैं, साइड टेबल, क्रॉकरी यूनिट, स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, मतलब जो भी आप ढूंढ रहे हो अपने होम के लिए कंप्लीट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलता है। सभी रियल वुड के बने होते हैं और क्वालिटी की मैं आपको फुल दे सकती हूं क्योंकि मैंने अपना डाइनिंग टेबल 2.5 साल पहले लिया है और अभी भी वो बिल्कुल नया सा चमकता है। तो क्वालिटी की तो कोई चिंता करने की आपको बात ही नहीं है। मैंने ट्राई किया है कि आपको यहां पे प्राइस की भी झलक दिखाती रहूं ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि फर्नीचर यहां पे कितने का मिलता है। मुझे प्राइस वुडन स्ट्रीट की बहुत रीजनेबल लगती है हमेशा से और फिनिश और क्वालिटी आप देखते चलिए। ये वाला जो डाइनिंग टेबल है ये स्पेस सेविंग के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो इसके चेयर हैं ये काफी अच्छे से अंदर की तरफ फिट हो जाते हैं। तो अगर आपको स्पेस क्रंच है या आपको चाहिए कि फर्नीचर अच्छे से एक जगह सेट रहे तो ये वाला टेबल और चेयर आप ऑप्ट कर सकते हैं। नज़दीक से आप फर्नीचर्स को देखेंगे तो क्राफ्टमैनशिप इतनी अच्छी है, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देता है वुडन स्ट्रीट, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये टेबल लैम्प थोड़ा बहुत मेरे घर के टेबल लैम्प जैसा है, ये वाला एक मुझे इतना अच्छा सेटअप लगाना। साथ में देखिए यहाँ पे मिरर है जो आपको मिल रहा है 20,500 रुपीज़ का, उसके साथ में यहाँ पे टेबल है। सबका प्राइस आप देखते चलिए, जिस हिसाब का यहाँ पे काम है और जिस हिसाब की यहाँ पे रियल लकड़ी यूज़ की गई है प्राइस मुझे उसके हिसाब से बहुत रीजनेबल लगता है और क्वालिटी भी टॉप नॉच है। ये एक्सपेंडेबल डाइनिंग टेबल मुझे बहुत पसंद आया, एक तो इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, ऊपर से बहुत ही ईजिली ये एक्सपैंड हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिश आप अपने पसंद से सिलेक्ट कर सकते हो जैसा भी आपके घर के इंटीरियर पे जाएगा। जानना है कि आपके पास वुड ऑप्शंस क्या है और वुड के ऊपर जो फिनिश पॉलिश फिनिश जो लगती है क्योंकि सारा रियल वुड है तो ऑब्वियसली पॉलिश लगेगा, तो उसमें क्या ऑप्शंस है आपके पास? जी बेसिकली व्हाट हैपेंस इज हमारा जो यूज करते हैं दिस इज कम्प्लीटली ऑफ शीशम, सो अभी साउथ इंडिया पे तो शीशम का आइडिया ही नहीं है, सो दिस इज कम्प्लीटली न्यू टू साउथ इंडिया। सो ये क्या होता है, कम्प्लीट एंड कम्प्लीट रोज वुड का प्रोडक्ट है।
द कंप्लीट सॉलिड वुड. सो वी यूज द टू डिफरेंट वुड्स आल्सो. सो एक होता है शीशम और एक मैंगो वुड भी करते हैं. सो द मैंगो वुड्स बेसिकली वी यूज इट इन फैब्रिक सोफास. सो जो फ्रेमिंग के लिए यूज करते हैं. एंड दिस शीशम वुड सॉलिड, इसमें बेड स्ट्रक्चर, वुडन सोफास, पूरा का पूरा लूज फर्नीचर फॉर द होम. सो इसमें कर सकते हैं. दिस वुड बी वेरी ड्यूरेबल एंड स्ट्रेंथी. और पॉलिश एंड पॉलिशेस, तो अभी फिलहाल के लिए हम दो पॉलिश यूज कर रहे हैं. जो एक आनी फिनिश है विच इज लाइटर इन शेड, एंड द वन विच यू सी हियर, दिस इज वॉलनट फिनिश विच इज डार्कर इन शेड. सारे प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन रहती है? वुडन स्ट्रीट का सारे प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. लेकिन दिन इज स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं उसमें, जो तुमको टेबल पसंद है और चेयर नहीं है. So you wanted another chair, you can mix and match the product. Achha, mix match bhi kar you sakte. Can mix and match every and product. Aapki taraf se insurance rahegi ki finish eventually dono ka same rahe. Exactly. Okay. So usme kuch problem nahi hone wala hai. Solid wood na raw material jaise humko milta hai, we procure raw material na. So before going to carpentry, humne isko at least 26 to 30 days seasoning ke liye rakha hai. Before carpentering only, so fantastic. Is seasoning hota hai. तो इसमें क्या होता है ना, पूरा का पूरा बोराइट टर्माइट वुड में ना नो प्रॉब्लम होता है. सो बिकॉज वी ट्रीटेड कम्प्लीटली केमिकल वाइज. सो इसमें ना वाटर, इवन वाटर इफ यू पोर वाटर ऑल्सो ऑब्जर्व नहीं होगा. चलिए थैंक यू सो मच इतने इन्फॉर्मेशन के लिए. व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी. स्ट्रीट में आपको फैब्रिक के भी ऑप्शन मिल जाते हैं. तो आपको आपके सोफा पे या एक्सटेंशन चेयर पे कौन से तरीके का फैब्रिक लगाना हो वो आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कस्टमाइज करने का ऑप्शन है. तो जो भी आपको फैब्रिक पसंद आए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको लकड़ी पसंद आए वो सिलेक्ट कर लीजिए. तो फुल ऑन कस्टमाइज आप कर सकते हैं. चाहे तो आप स्टोर विजिट करके बात करिए या फिर आप ऑनलाइन ही कस्टमाइज कर सकते हैं और फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. तो आप किसी भी कोने में रहते हो इंडिया में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. फैब्रिक की क्वालिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. स्पेशली देखिए ये स्वेड वाला जो है ये मस्टर्ड येलो कलर में है, और इसके साथ में यहाँ पे देखिए लाइट कलर का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था. लाइट ग्रे में बहुत ही प्रीमियम वाली फील आ रही थी. तो फैब्रिक के भी बहुत सारे ऑप्शंस है, कॉटन में भी आपको मिल जाएगा, और आपको चाहिए तो अगर थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का प्रीमियम मटेरियल में वो भी मिल जाएगा. यहाँ पे आपको बहुत सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉअर और डाइनिंग टेबल मिल जाते हैं, जिसमें कि जैसा कि बताया स्टोर मैनेजर ने कि आप मिक्स मैच भी कर सकते हो चेयर और टेबल्स को. बहुत सारे कलेक्शन है. साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए कुशन कवर्स वगैरह भी है. इसके भी मुझे फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी. तो ये सब भी ऑप्शन है. एक बार आप स्टोर आओगे तो बिल्कुल खो जाओगे. मुझे तो आराम से मैंने 1.5-2 घंटे बिता लिए. और देखिए डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे ये प्रीमियम लगा मुझे चेयर वाला जो कलेक्शन है ना. इनफैक्ट मुझे मेरे घर के लिए भी ये वाला चेयर अच्छा लग रहा है. आप लोग बताइए कमेंट करके क्या मेरे घर पे ये चेयर अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत कम्फर्टेबल लगा और अंगद को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया.
देखा, देखते देखते आप थक जाओगे, पर कलेक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे विंटेज कलेक्शन भी है, कॉन्टेम्प्रेरी कलेक्शन भी है, प्योर इंडियन थीम पे भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। बहुत सारे ऑप्शंस है अगर आप अपना नया घर सेटअप कर रहे हैं या फिर आपको कुछ नए फर्नीचर्स लेने हैं, तो मैं आपको 100% बोलती हूँ कि आपको एक बार कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको भी वुडन चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर एक बार वुडन स्ट्रीट ट्राई करिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी इनके वेबसाइट का, और आप चाहे तो अपने नियरेस्ट स्टोर को भी लोकेट करके एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए। ओके, तो यही था आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मुझे तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। 1 से 1.5 घंटे कैसे बीत जाते हैं ऐसे अच्छे से शोरूम में पता भी नहीं चलता है। तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाना चाहा। अगर आपको अच्छा लगता है, शोरूम है तो आकर के आप देख सकते हो आपके नियरेस्ट शोरूम में, या तो फिर ऑनलाइन जाके भी वुडन स्ट्रीट से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे से कलेक्शन है, प्राइस भी रिजनेबल है, तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए आज का मैं वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।